गुस्सा मानवीय स्वभाव है। जिस प्रकार से इंसान हंसता और रोता है, उसी प्रकार से गुस्सा भी होता है। ये सारी चीजें स्वाभाविक है। हंसना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, तो वही गुस्सा हानिकारक है। बात बात पर गुस्सा होना सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। एक पल का क्रोध इंसान के जीवन में भूचाल मचा सकता है। अधिक गुस्से से कई समस्याएं हो सकती हैं। क्रोध से आपके व्यावसायिक और निजी जीवन पर बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इससे आपके जीवन की क्वालिटी भी कम हो जाती है। पर आपको जानकर खुशी होगी कि गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। हम आपको 5 आसान स्टेप्स बताएंगे जिससे आप अपने गुस्से पर तुरंत काबू पा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, गहरी सांस ले। जब भी आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए जहां आपको चिढ़ होने लगे, तो सबसे पहले गहरी सांस ले। ऐसा करने के पीछे गहरा वैज्ञानिक आधार मौजूद है। जब आप गहरी सांस लेते हैं, तो आपके दिमाग में स्थित वेगस नर्व शरीर को संकेत देता है कि वह मसल्स को ढीला छोड़े और शांत हो जाए। बेहतर परिणाम के लिए आप कम से कम 2 से 3 बार गहरी सांस ले। स्टेप नंबर 2, 10 तक गिनती गिने। गहरी सांस लेने के साथ ही आप 10 तक गिनती भी गिन सकते हैं। ये तरीका अपनाने का एक रीज़न ये है कि इससे आपका मन डाइवर्ट होता है, और अगर आप उल्टी गिनती गिनते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उल्टी गिनती गिनने में आपको ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका मन डाइवर्ट जल्दी हो पाता है। स्टेप नंबर 3, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप 1 से 2 ग्लास ठंडा पानी धीरे धीरे पिए, क्योंकि पानी हमारे बॉडी के तनाव को कम करने की शक्ति रखता है। स्टेप नंबर 4, संगीत सुने। गुस्से को दूर करने में संगीत से बड़ा साथी कोई भी नहीं है। जब कभी भी आपको बहुत अधिक क्रोध आ रहा हो, तो अपना पसंदीदा संगीत सुने। गाना कोई भी तरह का हो सकता है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सूफी या फिर कुछ भी जो आपके मन को भाए। इससे आपका ध्यान क्रोध दिलाने वाली बातों से हटेगा और आप परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। स्टेप नंबर 5, एक खुश जगह को विजुअलाइज करें। अगर आपका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है, तो अपनी कल्पना तुरंत बदलने की कोशिश करें। आंखें बंद करके ऐसा सोचें कि आप कहीं बहुत ही प्लेजेंट जगह पर है, बहुत शांति भरी जगह पर। आसपास हरियाली ही हरियाली है, सब जगह शांति है। आपके अलावा वहाँ पर और कोई भी नहीं है। बहुत अच्छी हवा चल रही है और आपका मन एकदम खुश हो गया है वो सीन देख के। वहाँ की हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में इमेजिन करें। वहाँ की लाइट्स, हवा, साउंड, सुगंध, वेदर, और जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से उस एनवायरनमेंट में घुस गए हो, तब अपनी आंखें खोलें और खुद ही देखिए कैसे आपका गुस्सा पिघल गया होगा। अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हो, तो सबसे पहले अपने गुस्से पर काबू करना सीखें। और जो तरीके हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, वो तरीके काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर आप भी कुछ मेथड्स जानते हैं जिससे गुस्सा शांत हो सके, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।